शेखुल इस्लाम की किताबें पढ़ो, ले जाओ अपने बच्चों को भाइयों को तोहफे दो शेखुल इस्लाम की किताबें। मैं बता रहा हूं खुदा की इज्जत की कसम, मैं कोई यानी मुबालगे की बात नहीं बोल रहा हूं, ना मेरे को ताहिरुल कादरी कोई तनख्वाह देते हैं, मेरे को कोई मिनहाजुल कुरान की तनख्वाह नहीं मिलती है, मिनहाजुल कुरान कोई मुझे सीट नहीं देता है, मुझे बयान करने के लिए कोई मिनहाजुल कुरान और ताहिरुल कादरी मुझे ट्रेनिंग नहीं दिए, मुझे कुछ नहीं। मैं जो देखा ताहिरुल कादरी के अंदर वो मुजद्दिद कई जिहतों से है, लेकिन साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर मोहब्बत अहले बैत को जिंदा करने वाला ताहिरुल कादरी है। जो आवाजें दब गई थी, अरे कहीं पर नारे अली लगता है, नारे हैदरी लगता है, लोग कहते थे ये तो शियाओं का नारा है, अरे ताहिरुल कादरी ने जामेउल मिनहाज से उठने वाली आवाजों को दुनिया भर में यह नारा दिया है। आज अगर हिंदुस्तान के कोने कोने में मिनहाज कुरान के दफ्तर का इफ्तिताह होता है तो लोग जमा होकर कहते हैं, ऐसा करते हैं 3 तारीख को इफ्तिताह कर लेते हैं, सय्यदा कायनात की फातिहा का दिन है, ऐसा करते हैं 20 तारीख को इफ्तिताह कर लेते हैं, मौला अली का दिन मिल जाता है। अरे ये बोली कहां से आई, अरे नारे हैदरी कहां से जिंदा हुआ, इमाम हुसैन का नारा कहां से जिंदा हुआ, ये इस सदी के मुजद्दिद का कारनामा है। इसलिए कह रहा हूं को लोगों, इसलिए कह रहा हूं कि कादरी साहब की किताबें पढ़ो, कादरी साहब की किताबों से तुम्हारे नॉलेज वॉलेज क्या क्या होता क्या नहीं होता मुझे नहीं मालूम, ईमान जिंदा हो जाता है। ये आज जो बोली बोल रहा हूं ये वहां से मिल रही है, ईमान को जिंदा करने वाली बोली। उनकी किताबें पढ़ो, उनके बयानात सुनो, अहले बैत की मोहब्बत को जिंदा करो।